हाल में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी एक बार फिर संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर बीजेपी के सभी सांसदों को कमल के निशान वाली बीजेपी की भगवा टोपी और कुपोषण को दूर करने वाले चॉकलेट्स बांटे गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पार्टी की विशेष टोपी के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए कमल के निशान वाली भगवा टोपी बांटने का निर्णय लिया गया। बता दें कि पार्टी के सभी 400 सांसदों को ये टोपी दी गई है। बीजेपी के सभी सांसदों को कमल के निशान वाली पार्टी की 5 नई टोपी का सेट और पोषक शक्ति न्यूट्रिशन चॉकलेट पहुँचा दिया गए हैं। बीजेपी के संसदीय कार्यालय ने विगत 3 दिनों में पार्टी के सभी 303 लोकसभा और 97 राज्यसभा सांसदों के घर घर जाकर बीजेपी की ये विशेष टोपी और कुपोषण को दूर करने के लिए खास तौर पर बनाई गई एक विशेष चॉकलेट पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। गुजरात बीजेपी की तरफ से पार्टी के संसदीय कार्यालय पहुंचाई गई पार्टी की इस नई टोपी और पोषण युक्त चॉकलेट को सभी सांसदों के घर पहुंचाने के पीछे तर्क ये बताया जा रहा है कि यूपी समेत 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अगले दिन प्रधानमंत्री ने यानी 11 मार्च को अहमदाबाद में रोड शो किया था। उस दौरान जिस भगवा कैप को पहना था उसको लेकर देश भर में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच गहरी रुचि दिखाई दी थी। बाद में प्रधानमंत्री ने खुद ही पार्टी के सभी सांसदों तक इस टोपी को पहुंचाने का आदेश दे दिया। आदेश के बाद गुजरात बीजेपी यूनिट की तरफ से टोपी के साथ साथ कुपोषण को दूर करने के लिए बनाया गया पोषक शक्ति न्यूट्रिशन बार विशेष चॉकलेट सभी सांसदों तक पहुंचाया गया।